दोस्तों 1 जुलाई 2023 शनिवार से हमारे देश में कई सारे बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। मोदी सरकार की तरफ से भी कई नए फैसले लागू किए जाएंगे जिनका असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ने वाला है। LPG गैस सिलेंडर से लेकर बैंक खाता वालों के लिए, स्टूडेंट छात्र छात्राओं समेत किसान भाई लोगों और प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए भी कुछ बड़ी घोषणाएं हैं। प्राइवेट सेक्टर में 5-5 लाख रुपए का फायदा मिलेगा, कैसे किस राज्य सरकार ने घोषणा की है, आइए एक एक करके 10 ऐसे बड़े बदलाव और नए नियम देखते हैं फटाफट से। देखिए पहला नया नियम, 1 जुलाई से जूते चप्पल के लिए नए नियम लागू होंगे। फुटवियर कंपनियों को कुछ शर्तें पूरी करनी होगी और सरकार के इस नए नियम से चीन को बड़ा झटका लगेगा। दरअसल ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि भारतीय मानक प्राधिकरण की तरफ से भारत में घटिया क्वालिटी के जूते चप्पल पर रोक लगाने के लिए यह फैसला किया है। 1 जुलाई से खराब क्वालिटी के जूते चप्पल नहीं बिकेंगे, बल्कि अब फुटवियर कंपनियों को क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के स्टैंडर्ड्स को मानना पड़ेगा, जिससे आम आदमी को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल पाएंगे, है ना। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, रामानंद सागर की रामायण भी 3 जुलाई से टीवी पर वापस प्रसारित होगी। हाल ही में आपको बताऊंगा, रामायण पर बनी फिल्म आदि पुरुष की काफी आलोचना हुई। इस फिल्म में कुछ डायलॉग्स वगैरह सही नहीं थे, इसके चलते इसका काफी विरोध किया गया। तो इस विरोध के बीच रामानंद सागर की रामायण को लेकर शेमरू टीवी की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया कि इस रामायण को 3 जुलाई से वापस टीवी पर टेलीकास्ट किया जाएगा। टाइमिंग रहेगी हर शाम को 7:30 बजे आप इसे देख पाएंगे, है ना। अच्छा अगला अपडेट देखिए, देश भर में 1 जुलाई से CA के लिए नई स्कीम लागू करने जा रही है सरकार, जिससे कि हमारे देश में लाखों चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स को फायदा मिलने वाला है। दरअसल केंद्र सरकार CA के सिलेबस में बदलाव किए हैं, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके अलावा पेपर की संख्या को भी अब 6 ही कर दिया गया है। आर्टिकल शिप वगैरह में भी कुछ चेंजेस किए हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। अच्छा अगला अपडेट देखिए, 1 जुलाई से प्रभावी होगा HDFC और HDFC बैंक का मर्जर। दरअसल इतने दिन ये दोनों अलग अलग कंपनियां थी, HDFC और इसके अलावा HDFC बैंक, जिसमें HDFC के द्वारा तो सिर्फ लोन वगैरह किया जाता है, जैसे हाउस लोन, होम लोन वगैरह, और HDFC बैंक का तो आपको पता ही है सारी बैंकिंग सर्विसेज देता है। तो दोनों का मर्जर हो जाएगा 1 जुलाई से ही, और 13 जुलाई से HDFC के शेयर्स भी स्टॉक मार्केट के NSE BSE से डीलिस्ट कर दिए जाएंगे। निवेशकों को 25 शेयर के बदले 42 शेयर मिलेंगे। तो इस मर्जर का आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा ये समझिए जरा। अगर आपने भी HDFC से लोन लिया हुआ है तो आपको कुछ फायदे होंगे। अब आप अपने नजदीकी किसी भी HDFC बैंक में जाकर के ही अपनी लोन वगैरह के लिए कुछ भी पूछताछ हो गया कोई भी सर्विस का फायदा ले पाएंगे। इसके अलावा ब्याज दरों वगैरह में भी कुछ बदलाव है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए अगला अपडेट, 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है। अब तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, और इस बार दोस्तों अमरनाथ यात्रा पर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी, सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी मजबूत की गई है। अच्छा एक नया नियम इसमें यह भी होगा कि इस साल हेलमेट पहन करके अमरनाथ यात्रा करनी पड़ेगी। जी हाँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कैसा नया नियम है, लेकिन बिल्कुल सही, यही नियम लागू किया गया है। लैंडस्लाइड से श्रद्धालुओं को कोई चोट ना पहुंचे, इसीलिए प्रशासन की तरफ से नियम लागू किया गया। इस बार आपको अमरनाथ यात्रा में 2.5 किलोमीटर पैदल सफर जो है हेलमेट पहनकर करना पड़ेगा, और तंबाकू वगैरह पर बैन लगा दिया गया, ठीक है ना। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। अच्छा वही देखिए अगला नया नियम, पंजाब राज्य में सभी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा। 1 जुलाई के बाद अगर आप बिना नंबर प्लेट पकड़े जाते हो तो आप पर सीधा 3,000 रुपए का चालान काटा जाएगा। और ठीक ऐसा ही नियम उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार की तरफ से लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। अच्छा वहीं बैंक खाता वालों के लिए भी अच्छी खबर है, विदेश में क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल करने पर फिलहाल आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वैसे तो ये नियम 1 जुलाई से लागू होना था, लेकिन सरकार ने 3 महीनों के लिए इसे टाल दिया है। यानी अगर आप भी विदेश में पैसा भेजते हैं या विदेश जाकर के पैसों का खर्चा करते हैं, तो 1 जुलाई से जो फॉरेन ट्रांजेक्शन के नियम बदलने वाले थे उन पर सरकार ने राहत दी है। अब ये नियम 1 अक्टूबर से बदले जाएंगे। अभी मतलब TCS 5% लगता है, ठीक है ना। 1 जुलाई से सरकार का प्लान था 20% TCS करने का, लेकिन अब 1 अक्टूबर तक सिर्फ 5% ही TCS लगेगा। अक्टूबर के बाद सरकार इस नियम को 20% वाले को लागू करेगी, है ना। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, राजस्थान में 25 जुलाई से महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से यह बड़ी घोषणा कर दी गई है, और ना सिर्फ फ्री फोन मिलेंगे बल्कि महिलाओं को फोन में 3 साल तक इंटरनेट भी मुफ्त मिलेगा। पहले चरण में राजस्थान में 40 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। और इस योजना के लिए क्या नियम और शर्तें हैं, किन किन महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा, यह जानकारी मैंने आपको DLS न्यूज के ऊपर पहले ही बता रखी है। अच्छा अगली खबर देखिए दोस्तों, EPFO ने भी हायर पेंशन अप्लाई करने की डेडलाइन यानी कि आखिरी तारीख को 11 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इस ऑप्शन को चुनने से कर्मचारियों की पेंशन बढ़ जाएगी, और इस हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने की प्रोसेस क्या है, इसके कुछ स्टेप्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा वहीं दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के अलावा अगले महीने 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा भी शुरू होने जा रही है। आपको पता होगा क्योंकि 4 जुलाई से सावन की शुरुआत हो जाएगी, तो कांवड़ यात्रियों के लिए भी इस बार सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं। कुछ तरह के कांवड़िए उत्तराखंड में एंट्री नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा जुगाड़ से बनाए गए अवैध वाहनों की भी रांची में एंट्री नहीं होगी। देखिए 4 जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा, 5 करोड़ कांवड़ियों के इस साल उत्तराखंड पहुंचने की उम्मीद है। सहारनपुर में ड्रोन और CCTV से निगरानी की जा रही है, और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज वाराणसी हाईवे की बाई लेन से जाएंगे कांवड़िए। 4 जुलाई से 28 दिन तक कांवड़ियों के लिए रिजर्व रहेगा हाईवे का पूरा एक लेन, जिसमें पुलिस जवान भी तैनात रहेंगे सुरक्षा के लिहाज से, ठीक है। और इस बार देखिए 2 महीने कांवड़ लाया जा सकेगा। वजह क्योंकि इस बार अधिक मास लग रहा है, 2 सावन होंगे, 4 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है, और इसलिए अधिक मास के चलते 58 दिनों का होगा इस बार सावन महीना। कुल 2 सावन होंगे इसलिए, और कुल 8 सावन सोमवार व्रत भी रखे जाएंगे, ठीक है ना। तो कांवड़ यात्रा और बकरीद का त्योहार जो अभी निकला, इसको लेकर योगी सरकार की तरफ से
अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए और नई गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें देखिए कांवड़ यात्रा पर जिस रास्ते से कांवड़िए निकलेंगे उस मार्ग पर खुले में मांस की खरीद बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। अच्छा, अगला अपडेट, नया नियम देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ा दिया जाएगा। 1 जुलाई से ही ये बढ़ा हुआ मानदेय लागू होगा और इस नए नियम के तहत अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एमपी में 13,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का वेतन भी 6,500 रुपए कर दिया गया है। कार्यकर्ताओं का 10,000 और सहायिकाओं को पहले 5,000 वेतन मिल रहा था, इसको बढ़ाकर 13,000 और 6,500 कर दिया, ठीक है ना। और वहीं मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से स्टूडेंट छात्र छात्राओं को स्कूल ड्रेस के लिए पैसे भी मिलना शुरू हो जाएंगे। 2 साल से इस योजना के पैसे नहीं मिले लेकिन वो भी मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। और बिहार में भी देखिए स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को अब पैसे के बजाय सीधी किताबें दी जाएगी। इस बार मतलब जुलाई में स्कूल खुलेंगे उसके बाद। स्कूलों की बात हो रही है तो देखिए आप, हरियाणा में भी गर्मी की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, 1 जुलाई से स्कूल खुल जाएंगे। अच्छा, अगला नया नियम है, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों के लिए वीजा के नए नियम बनाए गए हैं। 1 जुलाई से काम के घंटों की सीमा को बढ़ा दिया जाएगा, जिसमें देखिए अब एक तो स्नातक 8 साल तक बिना वीजा प्रायोजन के काम के लिए आवेदन कर सकेंगे, जो ग्रेजुएशन है ना वो युवा। इसके अलावा 2 साल के कार्य वीजा विस्तार के साथ अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए स्वीकार्य कार्य घंटे की सीमा को प्रति पखवाड़े 40 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया जाएगा और युवा पेशेवरों के लिए 3,000 वार्षिक स्पोर्ट भी होंगे वीजा के। तो ये कुछ वीजा से संबंधित ऑस्ट्रेलिया में नियम बदले गए हैं। और इसके अलावा भी देखिए आप, अमेरिकी H-1B वीजा धारकों के लिए भी खुशखबरी है, अब कनाडा में भी आप इस वीजा से काम कर सकेंगे, आपके परिवार वालों को भी फायदा होगा। ये मतलब H-1B वीजा धारकों के लिए भी नियमों में ढील दी गई है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, गुजरात अहमदाबाद में 1 जुलाई से महंगा होगा बस का सफर। डबल डेकर बसें भी जल्दी शुरू की जाएगी रूट पर और बाकी किराया बढ़ा दिया जाएगा और किराए में कितनी बढ़ोतरी होगी इसकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में 4 जुलाई से वन वे हो जाएगा हाईवे, 9 जुलाई से रूट बदलेगा, 11 जुलाई की रात से 17 जुलाई तक नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसके पीछे भी वजह कांवड़ यात्रा को लेकर ही है, कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए प्रशासन की तरफ से, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 4 जुलाई से वन वे होगा, 9 जुलाई से सभी वाहनों की आवाजाही भी बंद कर दी जाएगी। अच्छा, टोल टैक्स वगैरह भी महंगा होने जाना, देखिए 1 जुलाई से महंगा होगा देहरादून दिल्ली तक का सफर। दरअसल वजह यह कि टोल टैक्स की रेटें बढ़ने जा रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने टोल रेट में 5 से 10 रुपए बढ़ोतरी करने का फैसला किया है और ये नई रेटें 1 जुलाई से ही लागू हो जाएगी। अच्छा, वहीं देखिए मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल मंदिर के गर्भगृह में 4 जुलाई से 11 सितंबर तक श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद रहेगा। अच्छा, वहीं अमेजॉन प्राइम डे सेल भी शुरू होगी अगले महीने 15 जुलाई से, स्मार्टफोन पर आकर्षक ऑफर वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और देखिए बैंकों के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, MSSC इस योजना में अब बैंकों में भी आप शानदार बचत योजना का खाता खुला पाएंगे, जिसमें आपको 7.5% तक ब्याज मिलेगा। दरअसल MSSC का मतलब है दोस्तों महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, ठीक है ना। अप्रैल 2023 में इस योजना को सरकार ने शुरू किया था, लेकिन अभी तक के नियम के मुताबिक इस योजना में सिर्फ आप डाकघर में ही खाता खुलवा सकते थे, लेकिन अब सरकार ने बैंकों को भी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट खोलने की इजाजत दे दी है। इस योजना में आप 2 साल तक के लिए निवेश कर सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है 7.5% तक का, मैंने आपको बताया। तो अब डाकघर के साथ साथ आप बैंकों में भी इस योजना के लिए खाता खुलवा सकेंगे, जुलाई से आपको ये नई फैसिलिटी मिलेगी, है ना। और वहीं देखिए 1 जुलाई से झारखंड राज्य में उत्कृष्ट विद्यालय का सेशन शुरू होगा, पहले दिन फ्रेशर डे मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी परिषदीय स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां बढ़ा दी गई, अब जुलाई में 3 जुलाई से पाठन कार्य शुरू होगा यानी कि 3 जुलाई से स्कूल खुलेंगे। राजस्थान के भी 545 कॉलेजों में एडमिशन शुरू हो चुका, 5 जुलाई तक अप्लाई कर पाएंगे, 15 जुलाई से पढ़ाई शुरू होगी। राजस्थान में RPSC ने 905 पदों पर वैकेंसी भी निकाली है, जिसमें आप 1 जुलाई से आवेदन कर पाएंगे। ये कुछ एजुकेशनल अपडेट्स बता दिए मैंने आपको। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, 4 जुलाई से निवेशकों के लिए भी मौका है। एक बड़ी कंपनी का IPO खुल रहा है, जिसका प्राइस बैंड 317 रुपए तय किया गया है और इस कंपनी का नाम है सेनको गोल्ड, कोलकाता बेस्ड ये कंपनी है। 4 जुलाई से निवेशक इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ठीक है ना। और किसान भाई लोगों के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया, देखिए आप, केंद्र सरकार ने MSP की समय सीमा को 14 जुलाई तक बढ़ा दिया है। अभी तक सरसों की महज 21% और चने की महज 36% उपज ही खरीद हुई और इसीलिए सरकार ने MSP की टाइम लिमिट को बढ़ाया है। वैसे दोस्तों किसानों के लिए कल ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें भी मोदी सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए। देश के 5 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के लिए गन्ना किसानों को तोहफा देते हुए MSP में 10 रुपए की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। अब गन्ने का न्यूनतम मूल्य बढ़कर 315 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है और इसके अलावा भी देखिए आप, कैबिनेट ने यूरिया सब्सिडी के लिए भी 3,68,00,000 का अनुदान देने का ऐलान किया है, है ना। और अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, अगले महीने 13 जुलाई को इसरो भी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कर सकता है। अगर चांद पर सक्सेसफुल लैंडिंग हुई तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया में 4th देश बन जाएगा। हम सभी की तरफ से भी इसरो के लिए बेस्ट ऑफ लक और एडवांस में गुड लक। अच्छा, उत्तर प्रदेश में देखिए योगी सरकार की नई प्लानिंग, 1 जुलाई से हर घर जल मिशन की शुरुआत हो रही है, यानी कि प्रदेश के ज्यादातर गांवों में नल कनेक्शन पहुंचाने के लिए जुलाई से नए अभियान की शुरुआत होगी और इसके अलावा भी 1 नल 1 पेड़ अभियान भी चलाएगी इसके साथ साथ योगी सरकार, यानी कि जिस घर में नल कनेक्शन जोड़ा जाएगा उसके पास में एक पौधा भी लगाया जाएगा। पहली बार उत्तर प्रदेश के हर एक गांव में जुलाई महीने में 5 लाख से भी ज्यादा पौधे रोपे जाएंगे। योगी सरकार ने प्लान रखा है इस साल पूरे उत्तर प्रदेश में 50 लाख से भी ज्यादा पौधा रोपण करने का, जो कि वाकई में बहुत ही अच्छी पहल है। अच्छा, इसके अलावा छोटे उद्यमियों, प्राइवेट सेक्टर में कारोबारियों के लिए भी योगी सरकार ने बड़ी घोषणा की है। दुर्घटना में मौत होने या विकलांगता होने पर उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे, है ना। मतलब छोटे उद्यमियों, कारोबारियों को ये इंश्योरेंस बीमा योजना का लाभ भी देगी योगी सरकार इसी महीने जुलाई से। अच्छा, झारखंड सरकार ने भी एक नया नियम लागू कर दिया,
दवा दुकान खोलने के लिए अब फार्मासिस्ट की डिग्री की जरूरत नहीं होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने घोषणा करते हुए कहा कि अब राज्य के पढ़े लिखे युवा भी दवाई दुकान यानी कि मेडिकल शॉप खोल पाएंगे। इसके लिए पहले नियम था फार्मासिस्ट की डिग्री कंपलसरी होती थी, लेकिन अब जरूरी नहीं होगी। वहीं हाल ही में मणिपुर सरकार ने भी एक नया नियम लागू किया कि सरकारी कर्मचारी अगर कार्यालय में अनुपस्थित रहेंगे तो उनकी तनख्वाह काटी जाएगी। इस नियम का नाम रखा है काम नहीं वेतन नहीं, नो वर्क नो पे। ये वाकई में बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इससे कर्मचारी जिम्मेदारी से काम करेंगे, रेगुलर हाजिरी भी लगाएंगे। ऑफिस में अगर कर्मचारी नहीं आए तो उस दिन की तनख्वाह सीधी काटी जाएगी। मणिपुर सरकार ये नया नियम लागू कर रही है, ठीक है ना। अच्छा, पहलवानों और ब्रिजभूषण के मामले पर जो मसला चल रहा ना, उस पर भी 1 जुलाई से कोर्ट चार्जशीट पर बहस करना शुरू करेगी। वहीं हरियाणा राज्य में पुलिस कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी है। जुलाई महीने से उनको 400 रुपए मोबाइल भत्ता मिलेगा और मुंशियों को मेहमानों के लिए 3000 रुपए हर महीना अलग से अलाउंस वगैरह भी दिया जाएगा। अब जानकारी आप देख सकते हैं इस योजना के बारे में थोड़ी डिटेल से। वहीं दोस्तों पेटीएम कंपनी की तरफ से भी एक नया फीचर लॉन्च किया, जुलाई में आपको इसका फायदा मिलेगा। अब आप अपने फेवरेट कॉन्टेक्ट को पिन कर पाएंगे टॉप पर, जिससे कि आपका यूपीआई पेमेंट और आसान होगा। अच्छा, बिहार राज्य सरकार ने भी नया नियम लागू किया। बिहार के नीति सरकार ने फैसला लेते हुए अब दूसरे राज्य के युवाओं को भी बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई करने की छूट दे दी है। यानी कि बिहार में अब दूसरे राज्य के रहने वाले युवा भी शिक्षक यानी टीचर बन पाएंगे। अभी तक बिहार में नियम था शिक्षक बनने के लिए बिहारी होना जरूरी था, लेकिन अब ये जरूरी नहीं होगा। शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली में ये बदलाव किए हैं। शिक्षा मंत्री बोले कि एजुकेशन की क्वालिटी में इससे सुधार होगा, ठीक है। और बाकी खबर है कि 1 जुलाई को मध्य प्रदेश शहडोल का दौरा करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वैसे तो 27 जून को आने वाले थे, लेकिन भारी बारिश वगैरह की वजह से दौरा रद्द हो गया, तो अब 1 जुलाई को आएंगे वो। अच्छा, इसके अलावा एक कंपनी का ऑफर भी आ रहा है जुलाई महीने में। मैं आपको बता दूं 31 जुलाई से पहले अगर आप ये काम करते तो आपको थाईलैंड जाने का मौका मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी ओकेया ने अपने ग्राहकों के लिए ये ऑफर निकाला है। 31 जुलाई से पहले फास्ट एवी सीरीज का इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने पर आपको लकी ड्रा के तहत थाईलैंड की ट्रिप जीतने का भी मौका मिल सकता है। अच्छा, इसके अलावा रसोई गैस सिलेंडर के रेटों में हर महीने बदलाव होता ही है, तो एलपीजी की प्राइस में क्या क्या चेंज होंगे मैं आपको 1 तारीख की सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही डीएलएस न्यूज के ऊपर अपडेट बता दूंगा, ठीक है ना। कमर्शियल गैस सिलेंडर या घरेलू गैस सिलेंडर में जिस चीज में भी जो भी चेंजेस होंगे मैं नए रेट में आपको बता दूंगा। अब भी आपके मन में कोई सवाल है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैंने एक एक सारे रूल्स और अपडेट्स कांच की तरह क्लियर आपको समझाने की कोशिश की और उम्मीद है आपको जानकारी भी मिली होगी। वैसे आप कौन से राज्य में रहते दोस्तों, आपके राज्य का नाम मुझे नीचे कमेंट करके लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण काम की खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।